स्विफ्ट वो पीडीएफ जो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन वाला था, सिक्स्थ वाला। हाँ तो वो यूनिट डायमेंशन वाला ना, हाँ ए स्क्वायर टू रूट टू ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर वाला ना। यस क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ए रेज टू एन साइन इनवर्स ए माइनस वन। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? वैल्यू निकालना है एन का। इस सवाल में अरे एक चीज का मतलब समझ लो, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है? मान लो कोई बोलते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स, थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ? साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स। साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स, ये जो इनवर्स लिखने का तरीका होगा, मतलब ये लिखने का तरीका हो गया ऐसा। ठीक है, मतलब देखो तो ये पाई बाय, ये साइन इनवर्स के साथ क्या आता है? एंगल आता है हमेशा। देख लो ये एंगल है ना, एंगल हमेशा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा क्या हो जाएगी? ये जो चीज हमको दिख रही है ये क्या होती है? ये कोई प्योर नंबर हो सकता है, तो जैसे कि मान लो पाई बाय सिक्स से बेटर होता मैं इसको यहाँ पे ऐसा लिखूं, इसको लिखूं मैं वन बाय टू साइन इनवर्स वन बाय टू। साइन इनवर्स वन बाय टू कितना होता है? इसके थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो साइन इनवर्स के साथ जो भी चीज आती है ना, सिंपल भाषा में वो डायमेंशन लेस होती है। जैसे साइन के साथ कुछ भी आया, लॉग के साथ आया, पावर के साथ आया, इन द सेम वे साइन इनवर्स के साथ कुछ भी चीज अगर आती है वो क्या होती है? डायमेंशन लेस होती है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? ये वाला पूरा पार्ट डायमेंशनलेस होगा, और ये पूरा साइन इनवर्स भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, देखिए साइन ये डायमेंशनलेस था, ये पूरा पूरा भी क्या था? डायमेंशनलेस था। लॉग के साथ ये डायमेंशनलेस था, ये पूरा का पूरा भी क्या था? डायमेंशनलेस था, इन द सेम वे। अच्छा, तो ये हमारा पूरा का पूरा ज्यादा डायमेंशनलेस हो जाएगा। अब अगर हम इधर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि dx है, डीएक्स क्या हो जाएगा? डीएक्स तो हमारा एल हो जाएगा। डीएक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है बाय, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका एल स्क्वायर डायमेंशन हो जाएगा ना, तो एल स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये रूट है एल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया क्लियरली कि एक्स जो है ना, कुछ मेंशन नहीं किया गया कि एक्स क्या होगा, मेंशन नहीं किया गया कि एक्स क्या होगा, तो हम एक्स को कुछ भी ले लिया। यहाँ पे अगर एल होगा तो नीचे भी क्या होगा? सेम एल ही होगा। ये हो जाएगा ए रेज टू एन। सर टू टू ए, टू ए एक्स का क्या हुआ? उसका तो क्या ही हमने, तो सीधी सी बात है, एक्स का डायमेंशन अगर हम एल ले रहे हैं तो एल स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा एल स्क्वायर ही होगा ना। टू डायमेंशन में काम का मतलब रखता था, टू का कोई मतलब ही नहीं है। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या देगा? हमें एल स्क्वायर देगा, और एल स्क्वायर का रूट हमें क्या देगा? एल देगा। तो ए रेज टू एन क्या हो जाएगा? पावर एल पावर जीरो। ये रेज टू जीरो है, मतलब ये कितना हो गया? वन हो गया ना। अब ए रेज टू क्या करे ऐसा ताकि हमको वन मिले? तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। वैल्यू जीरो होनी चाहिए। हाँ, कैसे? यहाँ पे एक्स हम अगर एल के बदले
फोर्स चले कुछ भी ले ले तो सब कैंसिल ही करना है, इसलिए यहाँ पे एक्सपेंशन ही नहीं किया कि एक्स है क्या एक्चुअली, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये सवाल देखा जाए ना तो खाली बस इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पे, इसका कोई रोल नहीं है डायमेंशन, ठीक है, क्योंकि हम अगर ऐड भी करते तो क्या फर्क पड़ता, तो वही का वही रहता। और किस पे डाउट है सर? 20 हाँ सर। सर रचित का ग्रुप में मैसेज आया किस टॉपिक का वो है डाउट, ज्वाइन कर लेते ना सीधे। उसके बाद देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना 20 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं draw tangent x equals to find the slope of these tangents, इसमें बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। Actually, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें खाली बस आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन का हमारे फिजिक्स में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। करना क्या है कि हमें जो है ना ग्राफ तो इसका काफी बड़ा जाएगा, x को 1 2 3 4 5 पूरा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पूरा y को लिखेंगे, और ये जो ग्राफ जो जाएगा ना, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट्स, ठीक है, ठीक है, हम सबको यहाँ पे लिख करके ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ऐसे एक कर्व जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, या फिर मैंने तुम लोग को डिफ्रेंसिएशन का इम्पोर्टेंस बताया था, इम्पोर्टेंस क्या था डिफ्रेंसिएशन का, कि डिफ्रेंसिएशन से हम लोग क्या निकालते थे, स्लोप निकालते थे। स्लोप, हाँ सर वो तो बताया, परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ करेंगे और वहां से स्लोप आ जाएगा, वहां से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पूरा मेजर करेंगे एंगल। जो मैंने तुमको यूज बताया था ना डिफरेंशिएशन का, ये उसी यूज को यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया। तो ग्राफ पहले ड्रॉ करो, ठीक है, फिर क्या करो उस पॉइंट पे जाओ, यहाँ से पूरा लेकर के ड्रॉ करो, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वहां पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करेंगे, ऐसे फिर ड्रॉ करेंगे, स्लोप मेजर कर लेंगे, फिर हम y को 2x स्क्वायर है, dy by dx क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो जहां पर भी बोला कि x की वैल्यू 2 4 6 से पुट कर दो और वहां से जो स्लोप आएगा उसको चेक कर लो, ठीक है, आंसर हमें हमारा क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए बस समझ लो एक बार कैसे करना है, अदरवाइज हमको इसका फिजिक्स पे कोई कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात? हां सर, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को इस पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आइडिया होना चाहिए कैसे करना। एक ये वाला समझ लेना, डिफरेंशिएशन के जो होते हैं ना, के दो यूज और होते हैं, पहला यूज क्या था स्लोप निकालना, दूसरा यूज होता है फाइंड चेंज इन, फाइंड द रेट चेंज when for other it is given, जैसे कि हमने एक सवाल किया था ना जिसमें कि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया था और हमसे बोला गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालने, वो वाला इससे कर सकते हैं, ठीक है। इस ये जब भी ऐसे ये वाला यूज करते हैं ना हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, फाइंड डिफरेंशिएट बाय, इसको कैसे यूज करेंगे इस रूल को अपने काम के लिए, तो इसका स्टेप क्या होता है, स्टेप
डिफरेंशिएट टाइम ऑन बोथ साइड, बोथ मतलब LHS और RHS, ये वाला डिफरेंशिएशन। उसके बाद तीसरा यूज क्या होता है इसका, टू फाइंड चेंज इन वन क्वांटिटी, इन वन क्वांटिटी मतलब यहाँ पे इन डिपेंडेंट क्वांटिटी, चेंज इन डिपेंडेंट क्वांटिटी व्हेन चेंज इन इंडिपेंडेंट इज वेरी स्मॉल, एक यूज ये होता है इसका। और चौथा हमने सीखा था टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। और सब में जो हमारा प्रोसेस होता है डीवाई बाई डीएक्स फॉर्मूला सब एक जैसे ही लगता है सब में, ठीक है। तो हमको जो भी बोला जाए काम करने के लिए इस चार में से हम उसको कर सकते हैं। ये नोट यस सर। अभी जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर थ्री पे देखो। कौन सा सर? पॉइंट नंबर थ्री एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 21 हाँ सर, उसमें ना उसमें वो पॉइंट में आंसर आ रहा था मेरा, पाई में तो आंसर आया, फिर पाई को मैंने वो पॉइंट में कन्वर्ट किया तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा। मैं आपको लास्ट की इक्वेशन बताऊं, मेरी पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100 माइनस साइन पाई बाय 3 ये आया था। इफ x इज चेंज फ्रॉम पाई टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100, ठीक है, मतलब x में चेंज कितना हो रहा है, पाई बाय 100 का हो रहा है, तो dy बाय dx साइन x से cos x हो जाएगा, तो dy हो जाएगा cos x। हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द चेंज, x पे कितना चेंज आया पाई बाय 100 का, y में कितना चेंज हो जाएगा cos x, कितना दिया गया पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री इनटू dx कितना है पाई बाय 100, dy कितना हो गया cos 60, कितना होता है cos 60 बराबर जाता है 1/2, दैट इज पाई बाय 1, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। पाई बाय 2 मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3.14 बाय 100 200। हाँ सर ये तो मेरा भी आ रहा था, मतलब पाई पर जो पाई की तरफ 157 हो जाएगा ना, ये कट करके 2 से 0.0157 पॉइंट, हाँ ये सही है। थर्ड इसका यूज है ना, ठीक है, काफी काम पर यूज है ये भी, ठीक है, तरीका सब कुछ सेम ही यूज करना, बस चार यूज हमको जो इसका ध्यान में रखना है। यस सर आ गया। सर और एक 23 और 27 है, दो एक ही 23 करने से पहले मुझे याद आ गया, तुमने ना मेरे को कोई डाउट भेजे थे, ठीक है, एक क्वेश्चन था उस पे आईटी वाला क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन देखो उस पे क्या होगा कि ये कुछ क्वांटिटी होती है जैसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1/2 इनटू 1/μ नॉट वी का स्क्वायर, क्लास 12th में जब आओगे ना तो जब पढ़ोगे ना तो यहां पे क्या देखो कि ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं ना ये एनर्जी डेंसिटी के होते हैं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये तुमको अभी तक इतना खास नहीं ध्यान नहीं आता, ठीक है, वैसे वाले कुछ फॉर्मूले से तुम्हारे, ठीक है, उसमें तुम्हारे कुछ आईटी का भी था, मेरे को ध्यान नहीं अभी वो क्या, मैं देख लेता हूँ अभी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप खोल करके। चलो अभी तुमने कौन सा क्वेश्चन बोला मेरे को, 23 और 27
पे क्या बोला गया कि आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी, करंट दिया गया 2 एम्पीयर, कैपेसिटेंस दिया गया और दिया गया 6 इनटू 10 टू 5 ओम, उसके बाद कैपेसिटेंस दिया गया हमको 0.500 माइक्रोफैरड 10 रेज टू माइनस 6 एंड करंट यहाँ तो सीधे हमको करंट निकालने के लिए बोला गया है, तो करंट का तो फॉर्मूला ही हमारे पास I नॉट कितना 2 है, e रेस टू माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी गई दी गई हमको 0.3 बाय आर सी, आर सी की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा और ये करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10 रेस टू माइनस 1 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा ना बाय 0.3 तो कट जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू माइनस 1 2 बाय ई होता है 2.7 होता है, तो 2.7 कर दो इसका आंसर निकालो, तो आंसर में तुम्हारा 2 बाय ई लिखा हुआ है, तो हमारे से भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाय आंसर में हमारा 2 बाय ई लिखा हुआ है। सर ई तक ही छोड़ देंगे, हाँ छोड़ दो आंसर में वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टू प्लेट डेसिमल तक लिखते हैं ना, सब टू प्लेट डेसिमल तक दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देखो, रेट ऑफ चेंज मतलब अगर हमें जब भी रेट बढ़ा जाए ना टाइम से डिफ्रेंशिएट करो, दिया बाय डीटी यहाँ डिफ्रेंशिएट करो, आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना ई रेज टू माइनस टी अपॉन आर सी को, याद रखो कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जैसे मान लो ई रेज टू माइनस टी अपन आर सी है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ई बाय माइनस वन बाय आर सी से करेंगे ना, जैसे यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे एक्स था यहाँ पे एक्स लिखते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या रहा माइनस वन बाय आर सी आ रहा ना, और ठीक है और यहाँ पे क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई किया हमने, ये क्या बचेगा, ये तो बचेगा ई रेस टू माइनस टी अपन आर सी बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस वन बाय आर सी, यहाँ पे क्या ले सकते हैं आई नॉट, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या बचा माइनस वन बाय आर सी, आई की नहीं बात समझो, लास्ट का एक बार हम समझ नहीं आया, मान लो कि तुम्हारे पास कभी भी था डिफरेंशिएट करने के लिए साइन टू एक्स, सिंपल देखो कैसे करते थे, डिफरेंशिएट किया हमने किसके रेस्पेक्ट, पहले 2x के रेस्पेक्ट में, यहाँ 2x है ना, x तो है नहीं, फिर क्या करते थे डी 2x बाय dx करते, तो ऐसा किया यहाँ पे किसके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस है और rc है, माइनस 1 बाय rc dt, यहाँ पे 2x था ना, यहाँ पे किससे किया 2x से किया, खाली x होता तो cos x लिख देते, तो उसके बाद आगे जाएंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा माइनस 1 बाय rc dt, तो यहाँ पे आगे चेन बनाया हमने माइनस 1 बाय rc dt बाय dt, ठीक है ये कितना हो जाएगा e रेज टू माइनस टी बाय आर सी इंटू माइनस वन बाय आर सी हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही रहता है और इसका क्या हो जाएगा माइनस वन बाय आर सी हो जाएगा, बस यहाँ पे हमने क्या किया इसको लाकर के यहाँ पे ऐसा रख दिया, बस ये सब क्या है एक बार करोगे ना तो अपने आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे क्या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, मान लो सिंपल से एग्जाम्पल है, सिंपल से जल्दी समझ में आ गया तुमको, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता यहाँ पे
अगर ऐसा होता, लेट्स से ऐसा होता, e रेस टू ए एक्स ऐसा होता, तो मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट पे करता? अगर x होता तो खाली यहाँ पे x लिखता, यहाँ पे तो ax है तो अब ax लिखूंगा ना, अब ऊपर भी तो ax ही लिखना पड़ेगा, नीचे में क्या करना पड़ेगा x से करेंगे, तो e रेस टू x यहाँ पे सेम चीज है ना, तो क्या बचेगा e रेस टू x बचेगा, और ये a ax मतलब a कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो x का क्या 1 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, आई कि नहीं बस, और यहाँ पे सेम चीज, हाँ सर, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे -1/rc आ गया, और ये चीज वैसे की वैसी रहेगी। हाँ सर आ गया। इन रूल और कुछ नहीं है क्या सर? चेन रूल है और कुछ नहीं है। अच्छा अब हम, हाँ सर आ गया, तो करंट निकालना था एट 0.3 सेकंड, तो देखो तो ये हो जाएगा आई नॉट टू इंटू -1/rc कितना 0.3 है इंटू e raise to -t/rc क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t कितना है 0.3 और 0.3 माइनस वन बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे -2/0.3 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है परफेक्ट है, ये हमारा हो जाएगा ऊपर भेज दो 20/3 यहाँ से बुक में आंसर जो ना e के टर्म्स पर लिखा हुआ है हमने भी वैसे छोड़ दिया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, अगर करंट पूछा गया तो यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एम्पियर पर सेकंड, रेट मतलब किसे डिवाइड करना हमेशा टाइम के साथ, रेट मतलब किसे डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, फिक्स है रेट मतलब हमेशा टाइम ही इन्वॉल्व होगा, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट 0.31 सेकंड, अब देखो अब क्या बोल रहा है कि बताओ करंट 0.31 सेकंड में क्या होगा, तो पहले जब टाइम कितना था 0.3 सेकंड, करंट कितना था हमारा वो था 2/i, जब टाइम हो गया 0.31 सेकंड तो करंट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया, तो देखो यहाँ पे जो ना डिफरेंशिएशन का फिर से यूज करेंगे, टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ है तो निकाल लेंगे करंट में क्या चेंज होगा, ठीक है तो इस दोनों को मैं इरेज कर देता हूँ, टाइम डी आई टाइम में थोड़ा सा चेंज अगर करेंगे हम लोग तो डी आई बाई डी टी टाइम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो करंट में क्या चेंज होगा, डी आई बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू -1/rc ई रेस टू -t/rc, ये हमने जस्ट अभी निकाला है ना, अभी पीछे से कैलकुलेटर, डी आई क्या हो जाएगा आई नॉट बाई आर सी छोटा चेंज है, देखो टाइम इतना चेंज हुआ तो करंट में कितना चेंज होगा, तो डी आई क्या हो जाएगा -i0 कितना था 2, आरसी कितना था 0.3, ये e raise to -t/rc करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/e आ जाएगा ना, टाइम किस समय में पूछा गया चेंज 0.3 में, यहाँ पे 0.3 पुट करो, dt कितना है टाइम में कितना चेंज हुआ, देखो तो टाइम में चेंज हुआ 0.01 का, तो ये कितना आ रहा था di कितना आया था, ये आया था हमारा 20/3 -20/3 -20 0.01 हो जाएगा 20 नहीं आएगा वहां पे क्या ऊपर -20 अभी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना बचेगा यहां पे 2 और 0.2 बचेगा 0.2 अपॉन 30
3e चेंज हो गई, मतलब करंट क्या हो गया, व्हाट इज द करंट, तो ये करंट यहां पे कम हो गया ना, क्या होगा 2/2e माइनस, अभी हमारा हो जाएगा करंट हो जाएगा ना, क्योंकि करंट कम हो गया माइनस है ना, तो टाइम बढ़ा तो करंट कम हो गया, कितना से कम हुआ इतना से कम हुआ। मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन का थर्ड यूज किया था, एक क्वांटिटी में अगर कुछ चेंज हो रहा है, जैसे टाइम में चेंज हो रहा है, तो हम दूसरी क्वांटिटी में चेंज को निकाल सकते हैं, वही तो किया हमने, टाइम में चेंज हुआ तो हमने करंट के चेंज को निकाल दिया। अभी जरा इसका एलसीएम ले लो, ये 3 हो जाएगा, सिक्स सिक्स माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 5.8, 5.8 बाय 3 हो जाएगा, परफेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द, समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या करना है, दो दो बार बैठ के सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, तो तुमको गारंटी है कि तुमको फिजिक्स में कभी कैलकुलस वाला पार्ट में कभी दिक्कत नहीं हो, कैसा भी सवाल आ जाए, इरोडोफ का आ जाए, टफ से टफ सवाल आ जाए, या बच्चे घबरा जाते देख करके, ठीक है, कभी परेशानी नहीं। इनफैक्ट तुम ये सब क्वेश्चन करो ना, तुम्हारा समझ लो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन मैथ्स का भी काफी कुछ होगा। और किस पे डाउट है? और सर एक लास्ट 27, ये वाला सवाल तो पता है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि तो इसका इस सवाल का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा फिजिक्स में। बोला कह रहे हैं कि एक रॉड है, लेंथ L लेफ्ट ले चलो x एक्सिस दूरबीन x 0 टू x 12, ठीक है, एक रॉड ऐसी है, लीनियर डेंसिटी वैरीज एज ए प्लस बी एक्स, मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जो एक सेंटीमीटर में जो मास होगा, यहाँ जो एक सेंटीमीटर में मास, ये सब में अलग अलग है, सब में कैसी मास है, अलग अलग है, ठीक है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, जैसे जैसे हम दूर जा रहे ना वैसे वैसे यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर में जो मास है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो बोला गया कि फाइंड द ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी, पहला सवाल है ए और बी का ऐसा यूनिट बताओ, तो देखो तो ये डेंसिटी है, तो ये रो इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, बी का भी क्या होगा, बी का वही डायमेंशन होगा, ए का वही होगा जो डेंसिटी का होगा, तो ए का हो जाएगा केजी पर मीटर। ये बोला गया ये क्या है, ये मास अपॉन लेंथ है, ये देखो ये क्या रो क्या मास अपॉन लेंथ, मास मतलब केजी, लेंथ मतलब मीटर, केजी पर मीटर। अब बात करें अगर बी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का तो एल हो जाएगा, एक्स इंटू मीटर, एक्स इंटू मीटर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इसका केजी पर मीटर, ये तो इसका भी क्या होगा, इसका इसका पूरे का केजी पर मीटर होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ के रखा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा होता है, सेम होता है डायमेंशन, सेम होगा तो यूनिट भी सेम ही होगा, तो बी का क्या हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, पहले का आंसर हो गया। अब क्या सवाल पूछा गया कि बताओ इसका टोटल मास क्या होगा, तो हम क्या करते हैं टोटल मास निकालने के लिए, केजी एम माइनस टू ये ए प्लस बी का ऐसा यूनिट आ गया, ये बी का आ गया खाली, बी का ए का केजी पर मीटर है, तो वो ए प्लस बी का ऐसा यूनिट पूछा था ना, या सिर्फ ए और बी का पूछा था, ए प्लस बी का नहीं पूछा गया, फाइंड एसेट ऑफ ए एंड बी पूछा गया, ओके ओके, ये ए प्लस बी का तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ए और बी दोनों के यूनिट अलग अलग है, हाँ का पूछा अलग से, बी का पूछा अलग से। अब क्या पूछा कि बताओ इसकी जो टोटल मास क्या होगा, तो देखो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे चार स्टेप में, देखो पहला स्टेप इसमें, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको पहले रॉड को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि हर टुकड़ों में जो मास है वो अलग होगा ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे मास अलग होगा,
यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो मास, यहाँ पे कितना मास है एक सेंट यूनिट में, तो वो हो जाएगा ए। जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मास चेंज करेगा। तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, रॉड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट। हमने एक छोटा सा पार्ट लिया x का, जिसकी दूरी यहां से मान लो है dx। तो यहां पे कितना मास होगा, मास इन dx एट डिस्टेंस x, ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या हो गया, मास हो गया। क्यों? क्योंकि वो मास पर यूनिट लेंथ है। हमने छोटा सा मास लिया, एकदम छोटा सा मास, तो वहां पे छोटा सा लेंथ लिया, छोटे से लेंथ में कितना मास होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसकी लेंथ, है ना। मान लो बोल रहे तुमको कोई चीज है एक लेंथ में है मास 0.02 केजी, बताओ 1 मीटर में इतना है, तो 5 मीटर में कितना होगा, तो 5 into 0.02 कर देना, यूनिटी मेथड। आई बात समझ में? यस सर। ये बात देखो, ये मास हो गया वहां पे। अच्छा, अगर ये लेंथ बहुत छोटी लेते dx, तो उस पे मास भी कैसा होगा, छोटा ही होगा। और छोटी चीज को हम कैसे दिखाते, dm इक्वल टू a प्लस bx, dx से दिखाते ना। छोटे मास को किससे दिखाते हैं हम लोग, इससे दिखाते हैं। हमें क्या पूछा कि टोटल मास निकालने में, टोटल मास निकालने के लिए अब यहाँ पे देखो, तो ये सब यहाँ पे अलग मास, यहाँ पे अलग मास, यहाँ पे अलग मास, ये सब के सब वेरिएबल मास है ना। जब भी हमको वेरिएबल वाला क्वेश्चन, जब हम वेरिएबल वाली चीजों को एडअप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। आई मेरी बात समझ में? यस सर। हम कर क्या रहे, फिर रॉड है उसको हम तोड़ रहे, छोटे छोटे पार्ट पे तोड़ रहे, क्लियर। छोटे छोटे पार्ट पे तोड़ करके हमने एक पार्ट का मास निकाल लिया, क्लियर। जब भी हमको तोड़ करके जोड़ना पड़े, क्योंकि हम यहाँ पे तोड़ रहे लेंथ को और जोड़ेंगे किसको, मास को, है ना। ये क्या, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज तो एक छोटा सा पार्ट का मास हो ना। तो अगर हम लोग चीजों को तोड़ते छोटे छोटे पार्ट में और उसकी वजह से किसी चीज को जोड़ते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन। पहली चीज यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन। दूसरी बात, जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं ना, ठीक है, तो हमें क्या करना, हमको छोटा सा एलिमेंट लेना आना चाहिए। जैसे कि रॉड वाले केस पे जब एलिमेंट लेते हैं, वो क्या लेते हैं, dx लेते हैं, कहाँ पे जाकर के, dx दूरी पे, ये छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि वो हमको लेने का तरीका आना चाहिए। रिंग वाले केस पे अलग तरीका होता है, सब में अलग अलग होता है, रॉड वाले केस पे ऐसा होता है। तीसरा तरीका, हमको लिमिट लगाने आना चाहिए। देखो x हमारा कहाँ से शुरू हुआ, जीरो से, x हमारा कहाँ पे गया, l पे, ये क्या हो जाएगा, जीरो से लेके मास m, टोटल मास हो जाएगा ये, जब जीरो था, ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जब यहाँ पे x की वैल्यू जब जीरो थी, ठीक है, तो हमको टोटल मास निकालने बोल दिया गया, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है, dm का इंटीग्रेशन m, m माइनस जीरो कर दो, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो a dx प्लस b dx 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 जीरो से लेकर के l, कहाँ से स्टार्ट हुआ लेंथ, जीरो से कहाँ पे खत्म हो जाएगा, इस जाकर के l, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा a x square by 2 प्लस ए एक्स बचे में, डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और बी एक्स का हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाय टू, लिमिट लगा दो जीरो से लेकर के एल, ये क्या हो जाएगा, पहले एक्स को पुट किया एल, तो ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स को जीरो पुट करेंगे, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। सर वो आपने सिर्फ ए एक्स क्यों लिखा है, कि ए कांस्टेंट है बाहर चला गया, तो डी एक्स मतलब क्या हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स रेज टू जीरो डी एक्स हो गया ना, तो ऊपर नीचे ऐड करते थे ना वन,
जीरो प्लस वन बाय जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन क्या एक्स ही बचा ना। ये सब क्या, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हो गए, बहुत टफ लेवल क्वेश्चंस हो गए ये सब, ठीक है। तो इसको दो दो बार सॉल्व कर ले रहा, ठीक है। अभी हमको कोई बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं है इस चैप्टर की, अभी जब हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक बार किया हुआ रहेगा ना, जिस बच्चे का ये वाला पार्ट अच्छा होगा ना, मैथ्स वाला पार्ट, गारंटी उसका फिजिक्स अच्छा ही होगा। ये फिजिक्स पता प्योर मैथ्स पे ही होता है, फिजिक्स पे दो स्टेप होते हैं फिजिक्स के, बाकी सारे छह स्टेप होते हैं मैथ्स के। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? नहीं सर, डाउट नहीं है। वो आपने कल वो बोला था ना, सी का लॉजिक बताओगे वो कांस्टेंट का, तो वो लग क्या, ये रेस कर देता हूं। देखो अगर मान लो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही होता है ना। अगर मान लो मेरे को बोलेगा x स्क्वायर dx, तो मैंने बोल दिया x क्यूब बाय 3। अब इसको डिफरेंशिएट करके तो वापस ये मिल जाएगा अपने को, है ना। इसको डिफरेंशिएट करके तो क्या मिलेगा, देखो यस सर, पावर कम करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर मैंने यहां पे कांस्टेंट लगा दिया था, सी सी कोई नंबर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर हम इस पूरे को लेकर डिफरेंशिएट करेंगे तो सी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आई बात समझे सर? सिर्फ सी क्यों लिया? सी कोई भी कांस्टेंट है, सी मतलब कांस्टेंट, के तुम वहां पे कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, के लिख सकते हो, कोई तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं ना ऐसा जो कि हमको नहीं पता है, क्योंकि तो इसका भी तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे डाल के सी को, तो यहाँ पे ये बचेगा इसका और इसका जीरो हो जाएगा ना। हाँ समझ आ गया। अगर तुमने यहाँ पे सी नहीं पुट किया, मतलब तुमने यहाँ पे जीरो पुट किया है। यस, जीरो की क्या गारंटी बताओ? मतलब कुछ कांस्टेंट हो सकता है ना, चार पांच दस कुछ भी हो सकता है, वो तो पता नहीं है, हो तो सकता है। लेकिन ये लॉजिक है। हाँ सर आ गया समझ। बस सर और डाउट्स नहीं है। आज वो आपने जो 100-200 वो क्वेश्चन भेजे थे ना, वो करूंगा एमसीक्यूज वाले। तुम्हारा एक क्वेश्चन था जो काम का क्वेश्चन है ना, बाकी सब तो चलेंगे ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं तुमको बता देता हूँ जो कि तुमको अभी क्लास 11 में सीख लोगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन था 33 नंबर, बोला गया कि देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, फेस या स्मॉल मास m एंड साइड l कितनी टफ लैंग्वेज है इसकी, कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर रखा हुआ, वो उसके ऊपर रखा हुआ है। तो बताना क्या आपको कि इसमें जो टाइम पीरियड है ना वो क्या होगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने खाली ऑप्शन देखा। तो ऑप्शन देख करके एक चीज देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसका मैंने बताता, जैसे चेक करना ML-1 T-1 होता है डायमेंशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये चार ऑप्शन है, क्या गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला किससे मिलेगा? तो टाइम पीरियड अगर हमको चाहिए तो जिस ऑप्शन का डायमेंशन टी आएगा वही तो सुटेबल आंसर होगा। रिवास समझ में आई कि नहीं आई? सही बार रिपीट करो ना। क्वेश्चन में मांगा गया है टाइम पीरियड के बारे में कि टाइम पीरियड का सही एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है? हाँ सर। इतना लंबा क्वेश्चन है, मेरे से क्या पूछा कि टाइम पीरियड का क्या एक्सप्रेशन? मैं खाली एक ही लाइन पढ़ता हूँ टाइम पीरियड। मेरे पास चार ऑप्शन, मैंने क्वेश्चन जो है वार्ड में मैंने खाली पकड़ा चार ऑप्शन को। मेरे को ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ टाइम पीरियड का डायमेंशन मैच करेगा। क्लियर? आई बात समझ? यस सर। यस सर। क्वेश्चन तुम देख रहे हो के साथ साथ? यस सर। ओके। जो पहला ऑप्शन है ना उसमें मास के साथ ये मल्टीप्लाइड है ईटा, पहले में देख रहा है?
यस सर। तो पहला तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा सीधे, क्योंकि मास इनटू मास, मास का स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां तो अकेला टाइम आना चाहिए, पहले को मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज नीचे में मास है, नीचे में मास का स्क्वायर आ जाएगा, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तीसरे जो है ना, तो तीसरा ऑप्शन है, मैंने तीसरे और चौथे को पकड़ा। तीसरे में क्या m into l है? Yes. मैंने क्या देखा, m into l by ml minus 1 t minus 1, और चौथे को मैंने पकड़ा m by ml minus 1 t minus 1 into l। अब देखो तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये नहीं कट पाएगा एल और ये, क्योंकि वन और माइनस वन, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये एल एल भी कट जाएगा, क्या बचेगा, टी बचेगा। सर समझ नहीं आया अच्छे से। पहले मेरे से पूछा गया कि टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी सी डी, यही पूछा गया। देखो तो लास्ट लाइन पर खाली पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, खाली लास्ट लाइन पढ़ो। द टाइम पीरियड ऑफ व्हिच इज गिवन बाय, यही है ना क्वेश्चन तो। यस सर, मेन क्वेश्चन के हमको टाइम पीरियड निकालना है, मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला वाला अगर तुम ऑप्शन देखो तो उसमें मास को मल्टीप्लाई किया गया ईटा के साथ, देखो तो एक बार यहां से देखो, दिख रहा है? यस सर। जब मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे आंसर में एम का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आ गया समझ में, ठीक है। सेकंड वाले में हमारे में 1 / m स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो। यस सर। सर एल का, एल का वन हो गया। हाँ एल का, अच्छा, हाँ। लेकिन हमारे पास आंसर में ओनली टी आना चाहिए ना, ओनली टी, क्योंकि टाइम पीरियड में मास नहीं आता, लेंथ नहीं आता। यस। अब थर्ड ऑप्शन देखो, एल बाय एल माइनस वन आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये एल का स्क्वायर हो जाएगा ना। यस। ये भी नहीं हो सकता, ओनली टी आना चाहिए। फोर्थ देख लो, मैच कर जाएगा। सर ईटा का डायमेंशन क्या होता है? ML ML ठीक है, कोफिशिएंट। मैंने बोला था कोई भी तरह का मॉडुलस का ML minus 1 T minus 1 होता है, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे यंग मॉडुलस हो, चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस है तो ML minus 1 T minus 1, ठीक है। यस सर आ गया। तो ये वाला एक अच्छा सवाल था, और याद रखना जब आईआईटी में कोई क्वेश्चन आता है ना, जो जिसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना, वो सवाल उतना ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या मैंने किया, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं ना, तुमको पढ़ने दिया मैंने तो खाली बार टाइम पकड़ो, आज उसके से ऑप्शन पढ़ के आ गया आंसर, ठीक है। यस सर, इंडक्टेंस का क्या होता है वो डायमेंशन? इंडक्टेंस का देखो ना, फ्लक्स फाइव को टू एलआईसी करके आ जाएगा वो, और मैग्नेटिक इंडक्शन F equals to B I L, I for current, okay. L for length. Yes sir, आ जाएगा। चलो बाय बाय सर, थैंक यू सर।